दून को स्वच्छता के शिखर पर लाने के लिए जरूरी है शहर को पॉलीथिन और प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। इसके लिए नगर निगम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के ने अवैध रूप से आ रहे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने, राज्य की सीमाओं पर राज्य कर और पुलिस चौकियों पर नाकाबंदी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर डीएम सोनिका ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिबंध के अनुपालन के लिए लगातार छापेमारी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जन जागरूकता अभियान बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम पहले भी जैसे हम लोगों ने अभियान के रूप में से चला रखा है और सेक्टर और जोनी मजिस्ट्रेट भी बना रखे हैं, जिससे कि कहीं भी अगर पॉलीथीन मिलती है तो पहले तो हम जो हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम है उससे, और उसके बाद अगर चालान की ज़रूरत पड़े तो चालान की कार्रवाई करते हैं। रही बात बाहर से आने वाली, तो इसके लिए भी हमने बॉर्डर पे जो हमारी टीम्स हैं उनको हमने अलर्ट मोड में रख रखा है कि हमेशा चेक करें और कहीं कोई सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई करें। और एक जनरल अवेयरनेस लोगों के बीच में हम लोग पैदा कर रहे हैं कि अपना बैग खुद लेके जाएं, जिससे उन्हें पॉलीथीन की आवश्यकता ना पड़े। और क्योंकि ये सब कलेक्टिवली काम होना है, प्रोडक्शन इसकी, इसके जो सप्लाई हो रही है उस चेन को रोकना, दूसरा कंजम्पशन की चेन जो है उसको रोकना, और जनरल पब्लिक जो है वो किस तरह से इसको लेती है उसको देखना, तो ये तीनों चीज़ों पर हम लोग कार्रवाई कर